Assalamualaikum students, आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर के बुक के MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. पहला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंक्लूड ऑल अदर्स इन द लिस्ट. कौन सी टर्म ऐसी है जो बाकी सबको अपने अंदर इंक्लूड करती है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट. क्यों? क्योंकि होते तो स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट ही हैं, बट स्टार्च आर पॉलीसेकेराइड्स और यहाँ पे हमें मोनो और डाइसेकेराइड्स की बात की दी गई है, तो मोनो और डाइसेकेराइड्स इंक्लूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट में. दैट्स व्हाई हमारा सही आंसर जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अगला सवाल हमारे पास आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज करेक्ट. और इसमें पहला आपके पास दिया हुआ है कि दे आर मोर कॉमन इन एनिमल्स देन प्लांट्स. तो मैं आपको बता दूं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बेसिकली वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं. अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो प्लांट्स में होते हैं, और सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है हमारे एनिमल्स के अंदर. तो ये वाला तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि कह रहे हैं एनिमल्स में होते हैं कॉमन, जबकि गलत है ये चीज. अब दूसरी चीज है, दे हैव डबल बॉन्ड्स इन कार्बन चेन्स ऑफ देयर फैटी एसिड, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं. दे आर जनरली जो सॉलिडिफाई एट रूम टेम्परेचर. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, इट मीन्स दे आर ऑयल. और ये चीज इस तरह से गलत हो गया पॉइंट. दे हैव फ्यूअर फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स पर फैट मॉलिक्यूल, जबकि आपको जानना चाहिए दे हैव मेनी फैटी एसिड मॉलिक्यूल पर फैट मॉलिक्यूल. तो इस वजह से ये सेंटेंस भी गलत हो गया. तो सही वाला ऑप्शन क्या बचा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी. तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, दे हैव डबल बॉन्ड्स इन द कार्बन चेन्स ऑफ देयर फैटी एसिड्स. ओके, उसके बाद आपके पास आ जाता है, ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज. तो आपने याद रखना है कि ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो उनकी नेचर क्या होती है, वो स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं. आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंक्लूड्स ऑल अदर इन द लिस्ट. अब इसमें से कौन से सारे हैं जो अपने अंदर इंक्लूड करते हैं. एक है न्यूक्लिक एसिड, प्यूरीन, न्यूक्लियोटाइड एंड नाइट्रोजनस बेस. अब आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं, पेंटोज शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है. अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या चीज आ गई, एक न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिल गए. अब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपकी पेंटोज शुगर आ गई, जो कि यहाँ पे अभी ऑप्शन में नहीं है फॉर एग्जांपल. और नाइट्रोजनस बेस होती है, और नाइट्रोजनस बेस भी कौन कौन सी होती है, प्यूरीन और पाइरिमिडीन. तो प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस के अंदर आ गया, और नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड के अंदर मौजूद होती है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं. तो मेन हमारे पास आ गया न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर ये सारे कॉम्पोनेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं. तो सही आंसर आपका क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड. उसके बाद आ जाता है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन वन अमाइनो एसिड एंड दी अदर इज फाउंड इन. यानी एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड में फर्क कैसे पाया जाता है. तो पहले तो आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक कार्बन एटम होता है, उसके साइड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, दूसरे साइड पे आपके लगा हुआ होता है अमाइनो ग्रुप, और ऊपर के साइड पे आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, और नीचे जो है एक और फोर्थ साइड पे आपके आर ग्रुप होता है, जिसको हम कहते हैं साइड चेन. यहाँ पे वो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अपनी सीक्वेंस के हिसाब से लगते हैं. तो जो चेंजेस आती हैं वो यहाँ आर ग्रुप में आती हैं. तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से इन अ सेंस इस तरह अलग होता है कि उसका आर ग्रुप चेंज होता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है वो कम्बाइन करके क्या बनाता है. तो देखिए, आप नाम से बना सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कम्बाइन करके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन. सही है. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज मौजूद है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका आरएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए के स्ट्रैंड्स इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है इनटू द आरएनए मॉलिक्यूल्स, एंड ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स में राइबोसोम्स के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ये पूरी ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन भी आपकी बुक में मौजूद है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं. इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगला सवाल है आपके पास, नाइट्रोजनस बेस नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, यानी कौन सी बेस आरएनए में मौजूद नहीं होती. तो डीएनए में आपके पास होती है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, जबकि आरएनए में होती है एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड गुआनिन. तो जो फर्क आया वो यूरेसिल और थायमिन का है. इट मीन्स आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होती, बल्कि उसकी जगह यूरेसिल होता है. तो उसका आंसर होगा थायमिन. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि वो कौन सी लिपिड्स हैं जो कि रबर बनाने में यूज होती हैं. तो जो ये टारपीन्स होती हैं ये यूज होती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रबर. इसके बाद अगला है पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक्टिंग एज मैसेंजर. वो कौन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो मैसेंजर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं. तो एमआरएनए जो होते हैं मैसेंजर आरएनए, वो दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड दे ऑल्सो एक्ट एज मैसेंजर. यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं आपके एमसीक्यू. कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं. थैंक यू.